उधर ये रेफ्रिजरेटर प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट, घर का ट्रिपर ट्रिप हो रहा है। अभी बाबा ये कौन सा है? बरगंडी कलर में। देखिए दोस्तों, ये गोदरेज डबल डोर में बैक साइड से वायरिंग इसकी पूरी बंद हो गई है। शायद चूहे ने वायर काट दिया था, आपस में जुड़ गई थी फेज न्यूट्रल, जिसके वजह से बॉडी के पतरे को ओपन करना पड़ा है। और अब इसकी वायरिंग जो है, हम वापस से दूसरी वायरिंग करेंगे। इसमें वायर तो सारे ऑलमोस्ट जली गए हैं। कितने बगा बारिश बोला यहाँ पर इसका टाइमर फिट होता है, डिफ्रॉस्ट टाइमर, तो पूरा जल के खत्म ही हो चुका है। रिले ओवरलोड बचे हैं, लेकिन हम उसको भी रिप्लेस करेंगे। यह भी नया वाला टाइमर है। टाइमर आपको मैं दिखा दूँ, ये नया टाइमर है। ये नया टाइमर हम लगा के वापस से इसकी नए सिरे से वायरिंग कर रहे हैं। ये चूहे ने वायर सारी काट दी है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है। देखिए दोस्तों, इसकी वायरिंग को हमने कंप्लीट कर दिया है। वायरिंग बाद में हम फिटिंग करेंगे। नया टाइमर से लेके सब फिट हो चुका है। मेंस कोड पीस की कंटिन्यूटी भी अभी सही है। टाइमर ऑन साइकिल में है। इसकी अर्थ भी बॉडी से अब परफेक्ट है। इसको हम, ये बॉडी टू अर्थ है, बॉडी से अर्थ भी बराबर है। अब इसको फिटिंग करके चालू करके देखेंगे कि मशीन का क्या परफॉर्मेंस है। चेक करिएगा जी। आगे तक आ जाते थे, थैली में दे देते।
तो दोस्तों वायरिंग अब फाइनल हो चुकी है। सारे बॉडी से वायर जल गए थे, सबको सेपरेट करके नई वायरिंग कर दिए हैं। तो दोस्तों वायरिंग फाइनल हो चुके हैं। जो पत्रा हमने खोला था, जो वायर जल गई थी, पत्रे को भी वापस से फिट कर दिया है। अब मशीन को चालू करके देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है। देखिए दोस्तों, कंप्रेसर रनिंग हो चुका है। कंप्रेसर नॉइज भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिस्चार्ज पाइप भी बराबर हीट हो रहा है। इसका ये नया टाइमर लगा दिए हैं। इसका पुराना टाइमर जल गया है, पूरा खाक हो चुका था। साथ में रिले ओवरलोड और कैपेसिटर भी नया लगा दिए है हमने। अब यूनिट एकदम बराबर वर्किंग है। अगर दोस्तों वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर कल मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ में। Thank you once again
एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।